श्रीदेवी की मौत पर सस्पेंस बरकरार, श्रीदेवी के शव को भारत लाने की मंजूरी मिली। मेघालय और नागालैंड की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म। नागालैंड में एक मतदान केंद्र पर धमाका और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में एक की मौत, दो घायल। लुधियाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत, कांग्रेस 62 वार्ड में जीती। अकाली दल को 11 और बीजेपी को 10 सीटें मिली। एक सीट के साथ आम आदमी पार्टी का खाता खुला। पीएनबी ने फिर की नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की शिकायत। अब 1322 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। घोटाले की कुल रकम 12,622 करोड़ तक पहुंची। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का ड्राफ्ट तैयार। 5 प्रमुख संशोधनों पर आज LG अंतिम मुहर लगाएंगे। रिहायशी इलाकों से रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानें हटेंगी। बिहार विधानसभा में बीजेपी के निलंबित नेता मनोज बैठा की गिरफ्तारी नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा। मुजफ्फरपुर में बैठा की बोलेरो से कुचलकर 9 बच्चों की मौत हुई थी। बैठा के नेपाल भागने की आशंका। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन की 3 दिवसीय भारत यात्रा आज से शुरू। कई अहम समझौतों की संभावना। और देर रात शाही फरमान जारी करते हुए सऊदी अरब ने सेना प्रमुख समेत देश के सभी सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया।